आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ रूफ। इससे पहले हमने जो रेविट में पढ़ा था उसमें था फ्लोर और रूफ के बारे में, थोड़ा सा रूफ के बारे में बताया था, लेकिन आज हम कंप्लीट रूफ के बारे में बताएंगे, पूरी टाइप्स ऑफ रूफ पढ़ेंगे और इसमें एडिटिंग भी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रेविट 2019। तो ये हमारा वीडियो था पहले में, इसमें ही मैंने पढ़ाया था और आज इसी में हम बना कर दिखाएंगे टाइप्स ऑफ रूफ के बारे में। ठीक है दोस्त, हाँ तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे हमने गया और सारे रूप को हम क्रिएट करते हैं। जैसे रूप बाय फुटप्रिंट तो हमने पढ़ लिया था, फिर भी हम देखते हैं एक बार। रूप बाय फुटप्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से फ्लोर पे जाना है, क्योंकि यार देखो अब पिछली बार में हमने क्या किया था कि उसमें फर्स्ट फ्लोर ही सेलेक्ट कर लिया था, तो उसमें कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ आपसे बोल ही ना रहा था कि कौन से फ्लोर पे करना है। लेकिन इसमें हम ग्राउंड फ्लोर पे क्लिक किए हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे तो ऑलरेडी फ्लोर बनता है, तो रूफ तो बनेगा ही नहीं, तो इसमें पूछ रहा है, तो हम इसमें फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक किया और ओके, फिर से मॉडिफाई फॉर्म में हमारा खुल के आ जाएगा। देखो मॉडिफाई फॉर्म खुल गया। यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ ऑफसेट डाल लेंगे, ऑफसेट कुछ भी डाल लेते हैं। हमने डाल दिया 1 फीट डाल दिया, ठीक है, और 1 फीट डालने के बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे रख दिया, तो 1 फीट के 1 फीट में ही बनेगा, ठीक है। देखो पिछली बार में क्या जब बनाया था तो डिफाइन स्लोप नहीं था उसमें, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम डिफाइन स्लोप अभी ही लगा लेंगे। तो इसको हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिफाइन स्लोप पे हम क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक किया और डिफाइन स्लोप पे हमने क्लिक कर दिया और इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये हमने रूफ बाई फुटप्रिंट लगा लिया। अब इसको देखने के लिए 3D में जाएंगे और आप इसे देख सकते हैं, रूफ बाई फुटप्रिंट हमने लगा लिया, ठीक है दोस्त। अब हम फिर से हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और अब हम रूफ बाई 100 फीट एक लगा लेते हैं। पहले रूफ बाई 100 फीट हम लगा लेते हैं, रूफ बाई 100 फीट, और यहाँ से मॉडिफाई फॉर्म में आ गया, रेक्टेंगल लिया। देखो सबसे बेस्ट रहता है रेक्टेंगल ले लो और बना दो, क्योंकि फिर उसमें बाद में मॉडिफिकेशन हम पढ़ा देंगे। तो हमने रेक्टेंगल लिया और इसमें ऑफसेट डाल दिया 2 फीट हमने डाला और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पे लगा, हमने छोड़ दिया और फिनिश कर दिया। ये कौन सा रूफ बाई 100 फीट था, बिल्कुल प्लेन वाला, ठीक है। फिर से हम फर्स्ट फ्लोर पे गया, इस बार अब हम रूफ बाई क्या पढ़ेंगे, रूफ बाई एक्सट्रूशन, ठीक है। तो रूफ बाई एक्सट्रूशन पे जब हम क्लिक कर, देखो रूफ बाई एक्सट्रूशन क्लिक करने के बाद क्या बोलेगा, देखो वर्क प्लेन आ गया आपका। तो 3 चीज पूछ रहा है इसमें, स्पेसिफाई में नेम, पिक अ प्लेन, पिक अ लाइन, यूज द वर्क प्लेन इट वॉज स्केच इन। पिक अ प्लेन कर लेते हैं, पिक अप प्लेन जब क्लिक ओके करेंगे तो बोलेगा कोई एक प्लेन आप क्लिक करो, कोई एक लाइन, एक्सटीरियर जो लाइन होते हैं ना, जैसे वॉल हमारा है यहाँ पे, देखो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये पिक अप प्लेन बोल रहा, तो हम सिंपली इस वॉल को, इस लाइन को हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गो टू व्यू, हमारा ये व्यू खुलेगा। व्यू दो तरह से खुलेगा, या तो ईस्ट और वेस्ट हो सकता है या नॉर्थ या नॉर्थ या साउथ हो सकता है, यानी कि आमने सामने की, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई सा भी इसमें ले लिया, ठीक है, दोनों साइड की एक ही जैसा दिखेगा ये, अगर हम ये लें या वो लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नॉर्थ ही ओपन कर लेते हैं। देखो ओपन करेंगे तो हमारा ये एलिवेशन फॉर्म में खुलेगा। देखो एलिवेशन जो इसमें अभी पूछ दिया कि ऑफसेट कितना देना चाह रहे हो, चलो हम ऑफसेट भी डाल लेते हैं कि 2 फीट हम ऑफसेट देना चाह रहे हैं, और ये बोला थर्ड फ्लोर पर बनेगा ये, तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर क्लिक कर और ओके कर दिया, ओके किया। अब यहाँ से आप क्या करो, एक आर्क लो, आर्क लिया और यहाँ क्लिक किया और यहाँ ला के हमने लास्ट तक क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जितना भी आपको देना है डिस्टेंस, उतना आप डिस्टेंस देकर बना सकते हो। हमने इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, फिनिश कर दिया। तो फिनिश करने के बाद अब हम चलते हैं 3D में और देखते हैं इसको क्या बना। देख सकते हो आप कि आपकी क्या बन गया। इसको अभी हम रोटेट करके देखेंगे। क्या रोटेट के लिए क्या होता है कि शिफ्ट को प्रेस करेंगे और माउस के व्हील को प्रेस करेंगे तो आपकी ये रोटेशन हो जाता है, ठीक है। देखो
रोटेशन होगी आपकी। देखो मैंने बताया ना कि रेविट में रूफ का रूफ रेविट जो है ना नहीं समझता है कि बगैर अटैच का लगेगा, सिर्फ लेवल पे लगता है हमारा रूफ। एक्सट्रूशन कहीं भी लगा सकते हैं बट जो सोफिट और फुटप्रिंट बनेगा लेवल पर ही बनता है। अब देखो हमें इसे अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए क्या करेंगे हम, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, बताओ आप। यहाँ से होम पे क्लिक किया हमने और इस वॉल को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, अटैच टॉप बेस, अटैच और टॉप बेस। देखो आप आपके अटैच हो गए, इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसको अटैच करना है, इस वॉल को सिलेक्ट किया और अटैच टॉप बेस किया और रूफ को सिलेक्ट कर लिया, तो अटैच आपके हो गए। ये इसमें नहीं हुआ, इसको भी करना है, तो इस वॉल को सिलेक्ट किया और अटैच टॉप बेस हमने क्लिक कर दिया और इस रूफ को सिलेक्ट कर दिया, तो अटैच हो जाता है। आप देख सकते हो आपकी ये रूफ अटैच हो गया है। इस रूफ को, इस वॉल को करना है, इस वॉल को हमने सिलेक्ट किया इजिली और अटैच टॉप बेस कर दिया, इस रूफ को क्लिक कर दिया, तो आपकी ये वॉल हमारा क्या हो गया, अटैच हो गया। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप भी आप रूफ बना सकते हो, रूफ क्रिएट कर सकते हो और उसको अटैच भी कर सकते हो। अब क्या है कि नेक्स्ट में हम अब क्या कर देंगे, अब हम इसकी एडिटिंग के बारे में पढ़ते हैं। रूफ बाई एक्सट्रूशन में आपको दिक्कत हो सकती है, हम फिर से एक रूफ बाई एक्सट्रूशन बनाते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर, आगे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे, आप आ गए फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, हमें इस पे बनाना रूफ बाई एक्सट्रूशन। देखो आप गौर से देखना, हम क्या करेंगे, रूफ बाई एक्सट्रूशन पे हम क्लिक कर, रूफ बाई एक्सट्रूशन पे लिया हमने, यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद पिक अप प्लेन ओके किया, हमने पिक अप प्लेन ले लिया, एक प्लेन पे हमने क्लिक कर दिया साइड में। क्लिक करने के बाद इसकी दो व्यू खुल रही, इससे पहले हमने नॉर्थ को खोला था। अब चलो इसे कट कर देते हैं, हम दूसरी व्यू लेते हैं इसकी। दूसरी व्यू कहाँ से आएगी, जहाँ हम पिक अप प्लेन लेंगे वहीं से आएगी। तो रूफ बाई एक्सट्रूशन पे हमने क्लिक किया और पिक अप प्लेन लेते हैं, और अब इससे पहले हम यहाँ ले रहे थे, देखो यहाँ पे अब हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, यहाँ इस लाइन को हमने क्लिक कर दिया, क्या आ गया, ईस्ट या वेस्ट, हमने क्या किया, ईस्ट या वेस्ट कोई सा भी एक ले लिया, हमने इस बार वेस्ट ले लिया। चलो और ओपन व्यू कर दिया, ओपन व्यू करने के बाद यहाँ पे थर्ड फ्लोर आ रहा है, हमें बनाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर क्लिक किया, ऑफसेट डालना है, ऑफसेट डाल दो 2 फीट डाल दिया। ठीक है, देखो क्या है कि अब हम जो बनाए हैं ये दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या किया, जो प्लान बनाया था सारे एक रो में है, तो एक ही साथ आएगा ना वो, तो अब हमारा वो व्यू दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे उसके लिए, हम उसके लिए हमें करना पड़ेगा फिर से, इसको हमें कट करते हैं, फिर यहाँ बनना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे और रूफ बाई एक्सट्रूशन लेंगे। रूफ बाई एक्सट्रूशन ले लिया हमने, इस वाले पीक को, पीक प्लेन क्लिक कर लिया, ठीक, और नॉर्थ या साउथ, साउथ ओपन कर लिया और ओपन व्यू कर दिया। ओपन व्यू करने के बाद थर्ड फ्लोर बोल रहा है, तो हम फर्स्ट फ्लोर पर बनाना, फर्स्ट फ्लोर क्लिक किया, ऑफसेट डिस्टेंस हमने 2 फीट डाल लिया और ओके कर दिया। तब देखो आपकी ये व्यू आ गई। यहाँ पे सिंपली क्या करो, हम चाहते हैं कि एक लाइन ले ले पहले, यहाँ तक हमने एक लाइन ले लिया और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसको सेलेक्ट किया और मिरर कर लेते हैं इसको, तो मिरर के बारे में बाद में बताएंगे, मिरर कर लिया इसको इस लाइन से। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, फिर से एक लाइन लेके आप बना सकते हैं इसको, जैसा भी शेप देंगे हम रूफ बाई एक्सट्रूशन में बन जाएगा। हमने क्या किया, एक आर्क लिया, यहाँ से आर्क लिया, इस पॉइंट को क्लिक किया और इस पॉइंट पे हमने क्लिक कर दिया, और आप जो भी शेप देना चाह रहे हैं वो शेप आप दे सकते हो। ठीक है, हमें इस टाइप का शेप देना है। अब इसे आप फिनिश करोगे, आपकी ये बन जाएगा। आप इसको जिस तरह का भी शेप देना चाह रहे रूफ में, आप उस तरह के शेप दे सकते हो। देखो हमारा ओवरलैप हो गया, बनाना था इस पर बन गया इस पर, कोई नहीं। हमें दोस्त प्रोसीजर जानना है, हमें सीखना है, तो सीखने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये सब चीज़ को,
ठीक है दोस्त। तो सीखने के लिए हमने देखा इसको, अब शिफ्ट को प्रेस करो और माउस के व्हील को प्रेस करके आप इसे रोटेट कर सकते हो, रोटेट करके आप इसे देख सकते हो। इस तरह से आप भी रूप बाई एक्सट्रूजन पे रूप बना सकते हो। अब हम क्या है, अब हम थोड़ी सी कटिंग के बारे में सीखते हैं कि रूप को कैसे कटिंग करते हैं। चलो हम इस रूप को हम डिलीट कर देते हैं और इस रूप पे हमें कटिंग करना है कुछ, या हमें एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, होम पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो टॉप पे क्लिक कर दिया। इसमें कुछ एडिटिंग करना है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया और एडिट बाउंड्री, देखो एडिट बाउंड्री पे क्लिक किया। हमने एडिट बाउंड्री करने के बाद अब इस लाइन को आप जैसा भी चाहे वैसा आप चेंज कर सकते हो। चलो हम इसको डिलीट कर दिया, हमने क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। हमने एक क्या किया, आर्क लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आर्क दे दिया। वो पिछले वीडियो में हमने जब वॉल पढ़ाया था उसमें एडिटिंग पढ़ाया था, तो उस टाइप की एडिटिंग आप सब में कर सकते हो, रूफ में कर सकते हो, फ्लोर में कर सकते हो, वॉल में कर सकते हो। तो इस तरह की एडिटिंग को आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इसे पढ़ो। देखो पिछली वीडियो में आप देखोगे तो आपकी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे हमने वॉल में एडिटिंग किया था तो सेम वही प्रोसेस है उसका एडिटिंग करने का। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एडिट किया, रीडिट करने के बाद लाइन फॉर्म में आ जाएगा। तो उस लाइन को आप डिलीट करके जैसा भी चाहे वैसा शेप आप दे सकते हो। देखो हमने एक आर्क लिया, जिस टाइप का शेप देना चाह रहे हैं हम उस टाइप का हम शेप दे सकते हैं। देखो हमने शेप दे दिया और इसको फिनिश कर दिया। आप 3D में जाकर देख सकते हो हमने क्या बनाया था, किस टाइप पे बन गया। ठीक है, देख सकते हो दोस्त। अब हमें इसमें कटिंग करना हो तो इसको सेलेक्ट किया, इसके टॉप व्यू पे आ गया। देखो टॉप व्यू पे इसे आ जाता है ना कि ताकि हमारी जो एक्यूरेसी अच्छी हो और अच्छे तरह से वो सेटअप हो सके उस पर। हमने क्या किया, इसमें एडिट बाउंड्री किया। एडिट बाउंड्री करने के बाद हम चाह रहे हैं कि उसमें कुछ कटिंग कर दें। क्या करो, एक सर्किल लो या कुछ भी ले लो, आप यहाँ से कटिंग करो। दोस्त याद रहे कि आपको ओवरलैप नहीं होना चाहिए, अगर ओवरलैप होगा तो कटिंग नहीं होगा। अभी हम बताएंगे ओवरलैप, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ओवरलैप में क्या होता है। चलो इसमें भी देख लेंगे हम। हमने क्या किया, दो सर्कल की कटिंग कर दिया। चलो एक रेक्टेंगल की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया छोटा सा और रेक्टेंगल की भी कटिंग कर दिया और फिनिश कर दिया। आप देख सकते हो आपकी ये वो रूफ में कटिंग हो गया। आप 3D में हो, आप होम पे क्लिक करके देख लो इसको। देखो आप किस तरह से हमने रूफ में भी कटिंग कर लिया। तो इस तरह से आप कटिंग करके अपने डिजाइन के शेप को चेंज कर सकते हो। तो इसलिए मॉडिफाई में जो है ना, जो एडिटिंग के पार्ट से इसके अच्छी तरह से हम सीखें पढ़ें। ठीक है दोस्त, तो फिर अब हम क्या करेंगे इसमें, इसी तरह से सेम आप क्या कर सकते हो, फ्लोर में भी कटिंग कर सकते हो। चलो हम ग्राउंड फ्लोर पे गए, हमने क्या किया, एक फ्लोर ले लिया, फ्लोर लिया। चलो इस वाले पे हम लेते हैं फ्लोर, एक रेक्टेंगल ले लिया हमने। चलो कुछ भी रेक्टेंगल हमने एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, एडिट इसको फिनिश कर दिया। अब आप 3D में जाकर देखोगे हमने एक यहाँ फ्लोर बना लिया। हम चाह रहे हैं कुछ इसमें कटिंग कर दें, तो कटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट किया, इसके टॉप पे आना पड़ेगा, टॉप आ गए और इसको एडिट कर दो। एडिट बाउंड्री लिखा वहाँ पे, जैसे आपको सेम जो आपने किया था ना फ्लोर रूफ में, सेम वही प्रोसेस है फ्लोर पे। तो इस तरह से आप इसे, हमने क्या किया, इसमें एडिट किया। एडिट में हमने एक इस लाइन को डिलीट कर दिया, डिलीट किया और यहाँ पे भी हमने एक आर्क लिया। जो आर्क ले लेते हैं, यहाँ आर्क लिया, यहाँ से यहाँ तक लिया और इस तरह से हमने आर्क लिया और फिनिश कर लिया। तो आप 3D में जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्त क्या है कि आप इस तरह से आप वॉल में, रूफ में और फ्लोर में आप कटिंग करके बना सकते हो। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।